नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन एक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका बॉलीवुड से दूर दूर तक नाता नहीं था, पर फिर भी अपनी मेहनत के बल पर सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्तिक आर्यन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 22 नवंबर 1990 को मनीष तिवारी और प्रगति तिवारी के घर हुआ। ये दोनों उनके माता और पिता हैं। कार्तिक आर्यन बचपन से ही बड़े शरारती स्वभाव के थे। उनका पढ़ाई एसटी पल्स स्कूल ग्वालियर से हुआ। उनका बचपन से ही फिल्म और नाटक में खास रुचि था, जिसके चलते उन्हें अक्सर अपनी मम्मी पापा से डांट सुनना पड़ता था। स्कूली पढ़ाई पूरा होने के बाद कार्तिक आगे का पढ़ाई दिल्ली से किया, लेकिन कार्तिक का मन तो अभी भी फिल्मों में ही था, जिसके कारण कार्तिक मुंबई जाने का मन बना लिया था। लगभग 2 साल दिल्ली में रहने के बाद कार्तिक अपने आगे की पढ़ाई करने के बहाने मुंबई आ गए और डीवाई पाटिल कॉलेज ने भी मुंबई से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करने लगे और साथ साथ फिल्म ऑडिशन के लिए भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने लगे। और कार्तिक ने एक्टिंग के गुर बारीकी से समझने के लिए एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। मुंबई में लगभग 3 साल स्ट्रगल किया फिल्म में अपना करियर बनाने के बारे में कार्तिक ने अपने घर वालों को तब बताया जब उन्हें उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा मिली और उनके माता पिता बहुत खुश हुए। 2011 में कार्तिक आर्यन की पहली मूवी प्यार का पंचनामा बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, जो खासकर युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस मूवी में कार्तिक आर्यन बिना रुके हुए लगभग 5 मिनट तक एक डायलॉग बोले थे, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे लंबा डायलॉग माना जाता है। इसके बाद का 2013 में लव रगन की अगली फिल्म आकाशवाणी की, इसके बाद 2014 में सुहास गई की फिल्म कांची अनब्रेकेबल की, बट दोनों मूवी कुछ खास कर नहीं पाई। साल 2015 में कार्तिक आर्यन ने लव रंजन के साथ मिलकर प्यार का पंचनामा 2 में काम किया और ये मूवी हिट साबित हुई। साल 2017 में अश्विनी धीर के निर्देशक में गेस्ट इन लंदन फिल्म में कार्तिक ने अभिनय किया। इस मूवी को कामयाबी नहीं मिल सकी। ये इसके करियर की तीसरी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। कार्तिक ने 2018 में सोनू के T2 की स्वीटी में अभिनय किया और ये मूवी हिट साबित हुई। इसके बाद कार्तिक ने बहुत सारी मूवी की। तो ये था कार्तिक आर्यन का कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।